मनु, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टूडियो राउंड में खुश आमदीद। और सबसे पहले इश्फाक अली और सुमल और सलमान अली का सलाम। तो अस्सलाम। आप ये बताएं कि सुमल जी आज आप मसलन किस रिकॉर्डिंग पे आई हैं? इश्फाक साहब की रिकॉर्डिंग पे आई ठीक हो गया तो माशाल्लाह आप काफ़ी फिल्मों में गा रही हैं। हाँ जी, काफ़ी टीवी का फिल्मों भी में कर रही मैंने हैं, गाने काफ़ी गाए काम हैं। कर रही हैं हाँ जी, माशाल्लाह। मेरी फिल्में भी लग रही हैं और काफ़ी फिल्मों में गाने गाए हैं मैंने इश्फाक साहब के। रब बारस, ले बुआए, सांझा वैर, इन सारी फिल्मों में मैं गाने गा रही हूँ। अभी आपके और कितने गाने रिलीज हो चुके हैं? फिल्में आपकी कितनी रिलीज हो चुकी दो हैं? तीन लग गई हैं फिल्में, कुछ लग रही हैं। कौन कौन से रिलीज हो चुके हैं फिल्म जिनमें आपके गीत हैं? प्यार और पैसा, प्यार और पैसा, रब बारस, रब बारस, सांझा वैर, ये लग चुकी हैं। प्यार और पैसा तो काफ़ी पुरानी फिल्म है। हाँ जी, वो तो काफ़ी देर की लगी वो है। ना सोनिया नीले की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वही 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 और सीनियर सिंगर है हमारे। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी काम किया है और मैंने भी इनकी वॉइस को लाइक किया जब मैंने सुना। मैंने काफ़ी फिल्मों में कंपोज किया इनको और आज हम इस वक्त अल्लाह के फजल से हमारे ये जिस घर पर तशरीफ रखती हैं चौधरी प्रोडक्शन, उनका काम कर रहे हैं हम और माशाल्लाह काफ़ी काम कर चुके हैं उनका। और आज भी उसी प्रोडक्शन के हवाले से हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, दो तीन सॉन्ग करेंगे जितने हो गए। इश्फाक साहब माशाल्लाह नसल दर नसल आपके वाले साहब, फिर आप, फिर आपका आपके साहबजादे सलमान भाई, ये भी सलमान भाई को भी इसी लाइन में ला रहे हैं आप कि कुछ चेंज है? नहीं नहीं ये इंशाल्लाह ताला मेरी उम्मीद है, मुझे अल्लाह पे कोशिश करेंगे कि सिंगर बनेंगे कि म्यूजिक डायरेक्टर दोनों। अच्छा, दोनों माशाल्लाह ग्रेट। सलमान वैसे बेसिकल हीरो लग रहा है, एक अच्छा हाँ लगता है, बनना चाहिए। वो जैसे ऋषि कपूर का बेटा था ना, उसकी एक मूवी लगी तो उसको अवार्ड मिल रहा था। उसके साथ साथ नीतू सिंह और ऋषि कपूर जब वो उस हॉल में पहुंचे, थर्डिंग क्लैप थी, लेकिन उसने अपने बेटे को उसने दाद नहीं दी। पूछे क्यों? क्योंकि दादा पर दादा से वो फनकार लोग थे, पृथ्वीराज, राज कपूर, राज कपूर का साहब ज़्यादा, आगे ऋषि कपूर, आगे उनका पोता रणदीप कपूर। जब उसके बाप ने ये देखा कि आप अपना ये देखो कि आपके दादा अबू, पर दादा अबू, फिर छोटे दादा अबू, सब ने एक मार्का जमाया, अपना आप दिखाया। फिर उसके बाद उसने वो एक मूवी की जिसमें उसने कंफर्म किया कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ। सडाक ऐसे रख, इसी तरह ये भी है। इन्होंने सलमान साहब ने मेरी वो चकदे फटे उसमें गीत गाए, इन्होंने उसमें गीत गाए हैं आसफ जोहे साहब के साथ। अच्छा, फिर उसके अलावा वो मेरी पिक्चर है फर्स्ट लव। अच्छा, फर्स्ट लव में तीन सॉन्ग इनके हैं। तो आज सलमान बेटा आज कुछ समय गुनगुना के सुनाओगे? वो हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई स्थाई अपनी चाहे पुरानी गाओ, अपने दादाजी की गा दो या अपने डैडी की या अपनी कोई, अपनी कोई भी स्थाई गुनगुना दे कोई भी। वो जो आपने वो नासिर नासिर साहब ने लिखी थी माशाल्लाह, आप शर्माए मत, आप ये जरा करें, आपका इस वक्त तो ऑडियंस आपको देख रही है और सुन रही है, कोई भी गुनगुना दे कोई भी अच्छा सा सुना जी। इश्फाक साहब वेरी गुड माशाल्लाह, हमेशा की तरह खूबसूरत तरीन। आज तो आप कौमी ड्रेस में हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल लाजमन कौमी ड्रेस, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं कि इतनी लाइट आ रही है हमारे पाकिस्तान में कि अब तो ये जी चाहते घर से रुमाली बांध के बाहर आओ फिर आप जा सकते हो। अभी आपकी नई फिल्म लेकर रिलीज हुई है पीछे, कोठे कच्चे थे रिश्ते पक्के। जी जी, वो मेरी दो पिक्चर रिलीज हुई है सीट पे। अच्छा अच्छा, एक मेरी फिल्म थी वो मुहाफिज, हाँ मेरा मुहाफिज। अच्छा, और एक थी कोठे पक्के, कोठे रिश्ते कच्चे। क्या रिस्पॉन्स मिला इन दोनों फिल्मों को म्यूजिक के हवाले से? फिल्में तो को मेरा फिल्में तो सबके सामने ही है, जैसे म्यूजिक का आप बताएं, आपका जो शोभा था उसमें आपने क्या? मेरे शोभे में यह है कि अल्लाह के फजल से ईद के बाद मुझे तीन फिल्में सहन हुई हैं। उनमें कौन सा को गीत उनमें अप्रिशिएट हुआ उन दोनों फिल्मों में से? हाँ वो मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ। वो खासतौर से पहले मैं वो आपको सुनाना चाहूँगा, कोठे पक्के रिश्ते कच्चे। आप हमें बाबे दी चूड़ियां का गाना सुना दे अपने वाले साहब का। जी वाह सलाम, मैं शेर साहब में बुलाया चले।
दसवीं बे तेरे मोड़े रुके मुझे फोन आया सोने की किन्ने लाई दसवीं बे ये मैंने आसमान लता को हाँ चांस दिया मैंने पंजाबी में अच्छा बहुत अच्छी गुरुकार है काफ़ी काम किया उसने अदाकारा भी है लेकिन पंजाबी सॉन्ग फर्स्ट मूवी उसकी मेरे साथ है दसवीं बे तेरे मोड़े रुते सोने की किन्ने लाई इसी पे शर्म सोने तेनू शर्म ना आई दसवीं बे तेरे मोड़े रुते सोने की किन्ने लाई। आप हमें जरा थोड़ा सा भाभी की चूड़ियों का वो टाइटल सॉन्ग सुना सकते हैं? बिल्कुल, इसी स्केल में वो मेरे अब्बा का म्यूजिक था भाभी की चूड़ियां, उसमें मैं एज ए असिस्टेंट था, उसमें लुक नहीं सकदा सुख नहीं सकदा ये सलमा आगा जी ने गाया था और साथ मेहनत अल्लाह के लिखे रहमत करे। लुक नहीं सकदा छुप नहीं सकदा तू नजरों तो मेरे नहीं सकदा छुप नहीं सकदा तू नजरों तो मेरे मैं लुकया ते ऐसा लुकना हाथ नहीं आना तेरे उते सुरख किन्ने लाई इसी पे शर्म सोनिया तेनू शर्म ना आई दसवीं बे तेरे मोड़े उते सुरख किन्ने लाई। आप हमें जरा थोड़ा सा भाभी की चूड़ियों का वो टाइटल सॉन्ग सुना सकते हैं? बिल्कुल, इसी स्केल में वो मेरे अब्बा का म्यूजिक था भाभी की चूड़ियां, उसमें मैं एज ए असिस्टेंट था, उसमें लुक नहीं सकदा सुख नहीं सकदा ये सलमा आगा जी ने गाया था और साथ मेहनत अल्लाह के लिखे रहमत करे। लुक नहीं सकदा छुप नहीं सकदा तू नजरों तो मेरे लुक नहीं सकदा छुप नहीं सकदा तू नजरों तो मेरे मैं लुकया ते ऐसा लुकना हाथ नहीं आना तेरे सुन ले पावी हो प्यारी पावी ओ सुन ले पावी प्यारी पावी। और कुछ सुनाए अपने बारे में, आजकल क्या हो रहा है, गर्मी कैसी है लाहौर में? बड़ी ईद आम की कोई फिल्म आ रही है? कौन सी जी? बड़ी ईद पे। हाँ, बड़ी ईद पे मेरी एक पिक्चर है जगह जमगा। जगह जमगा, तो आप बड़ी ईद के मन से कुछ बताएंगे हमें? हाँ जी, रब सच्चा है गवार बोला झूठ ना जरा तेरा प्यार पुलावा ते मर जावा अरे मर जावा अरे मर जावा जोड़े सदरा ते चावा दिल ते आलना बनावा विच तेनू ना वसावा ते मर जावा अरे मर जावा जी मैनू सजना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा लगना नहीं जो तेरे हाथ तेरे हाथ मेरी रो मेरा लगना नहीं जो तूने कहते तूने कहा उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जाती बागुआ जी मैनू सजना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा अज तेरे हाथ डोले अलग नाले सोल तू तूने कहते तूने कहा गाई जा गाई जा गाई जा गाई जा तेरी बंगवा जी में सजना गाई जा गाई जा गाई जा। इस गाने को आप रिमिक्स कर रहे हैं? जी हाँ, हम इसको रिमिक्स कर रहे हैं। नया स्टाइल में आएगा? नया स्टाइल में आएगा, क्योंकि जो पहली कंपोजिशन थी वो फिल्म की थी, वो सोलो था अफशान जी का, वो अफशान जी का कंबाइन कर रहे और इसमें रैप है साथ,
अच्छा वो कौन साहब गा रहे हैं वो देखे। अच्छा रैप वाले जो रैप करते हैं जो आजकल का दौर है मम्मी डैडी तो उनमें से है कि तो इंशाल्लाह ताला अभी हम उसकी कंपोजिशन तैयार कर रहे हैं तो या बहुत जल्द देखेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द स्क्रीन पे स्क्रीन पे पर्दा स्क्रीन पे मोबाइल स्क्रीन पे यूट्यूब के चैनल पे नेट पे स्नैपचैट पे हर जगह पे इंशाल्लाह ताला। वो आपका जो पीछे गाना हुआ था वो पेशा प्यार दा पाई जा चुप करके हाँ जी वो भी मेरा कमर्शियल सॉन्ग है इंशाल्लाह ताला रीमिक्स होगा ये यही कहा जा सकता है क्योंकि जो पहले बन चुके हैं वो बन चुके हैं अब जो बन रहे हैं उनको मद्देनजर रख के लेकिन आज का दौर क्योंकि आज मम्मी डैडी का दौर है क्योंकि वो पंजाबी मैंने एक शेर लिखा था कि माँ प्यो नू कुछ ना समझते आजकल के जनरेशन माँ प्यो नू कुछ ना समझते तो नैट नू कर दे प्यार जे कोई इन्हों समझावे खा जाते ने खार बस वारी वारी का बुखार अगे देखो मेरे यार कि कैसे तासरात है और इंशाल्लाह ताला मेरे साथ तशरीफ रखती हैं बल्कि रख चुकी हैं संभल जी इन्होंने पहले वो बातें की हैं और गुड वोकल है इनका बहुत सीनियर सिंगर है। हाँ सीनियर सिंगर है क्योंकि एक होता है कि नया फनकार है तो उसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है उसका बताना भी पड़ता है इन्होंने काफ़ी काम किया। वो प्यार और पैसा में जो गाना था पानी का रंग क्या था वो नहीं वो था वो कहीं जाए क्योंकि वो पंजाबी मैंने एक शेर लिखा था कि माँ प्यो नू कुछ ना समझते आजकल के जनरेशन माँ प्यो नू कुछ ना समझते तो नैट नू कर दे प्यार जे कोई इन्हों समझावे खा जाते ने खार बस वारी वारी का बुखार अगे देखो मेरे यार कि कैसे तासरात है और इंशाल्लाह ताला मेरे साथ तशरीफ रखती हैं बल्कि रख चुकी हैं संभल जी इन्होंने पहले वो बातें की हैं और गुड वोकल है इनका बहुत सीनियर सिंगर है। हाँ सीनियर सिंगर है क्योंकि एक होता है कि नया फनकार है तो उसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है उसका बताना भी पड़ता है इन्होंने काफ़ी काम किया। वो प्यार और पैसा में जो गाना था पानी का रंग क्या था वो नहीं वो था वो कहीं जाए पहली बार हाँ जी ये हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टर शायद इस वक्त आजकल इन्होंने काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा रखा है जिधर देखो गांव तेज गांव गांव तो साथ अपना इशफाक भाई भी तो होते हैं। नहीं मैं तो उनका हेल्पर हूँ वो जैसे वो क्या कहते हैं कि गाड़ी को चलाने के लिए इंजन काफ़ी होता है एक इंजन हो ना तो उसके पीछे आप चाहे 100 डब्बा लगा ले इंजन में सारे वो जान होने चाहिए।